Good morning, students. Myself Jyoti Shai, and I'm your class teacher from New Ambience Academy. Dear student, today we will learn place value, face value. सबसे पहले इनकी मीनिंग जान लेते हैं. Place value का मतलब होता है स्थानीय मान. Face value का मतलब होता है अंकित मान, मतलब कि इसकी खुद की पहचान. और place का मतलब होता है नंबर का स्थान. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले सीखते हैं कि नंबर का फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू में सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ नंबर यानी नंबर का वैल्यू पता करते हैं. सेकंड, नंबर नेम यानी नंबर को हम बोलते क्या हैं वो पता करते हैं. ओके, बच्चों फेस वैल्यू नंबर की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है, या नंबर का जो नेम होता है वही उसकी फेस वैल्यू भी होती है. अब कुछ नंबर ले लेते हैं और नंबर की फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, हमने एक नंबर लिया 1, ठीक है. इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं. तो इसका फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, फेस वैल्यू इसका हो जाएगा 1. मतलब नंबर की जो खुद की पहचान होती है उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं. जो नंबर रहेगा उस वही नंबर उसका फेस वैल्यू हो जाएगा. इस तरीके से पहले चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं. इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, 3 पढ़ते हैं. तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू भी 3 होगा. ओके, इस तरीके से नंबर का जो अपना नेम होता है वही उसकी वैल्यू और फेस वैल्यू भी होती है. अब सीखें नंबर का प्लेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, इसको जानने के लिए पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड. ओके, वंस में प्लेस वैल्यू चार्ट जानने पढ़ने के लिए आपको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट समझना पड़ेगा. वंस में कोई भी यहाँ पे डिजिट हो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस में 10 से करते हैं और 100 में 100 से करते हैं. चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 3. इसको एक और तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 100, 10, 1s. यहाँ है 2, यहाँ है 4 और यहाँ है 3. बच्चों
जो भी यहाँ नंबर होगा 2 लिखेंगे, ठीक है। वंस प्लेस पे जो नंबर है पहले उसको चेक करते हैं कि कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको लिख देंगे। और वंस को हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, तो हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है तो 40। और ये किस प्लेस पे है बच्चों, 100 प्लेस पे है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300। बच्चों इसको एक और तरीके से हम पढ़ सकते हैं, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे 2 के बाद। यहाँ 4 है, 4 के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे। 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे। ओके बच्चों, अब इस नंबर में किसी 2 डिजिट का प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू को नंबर के प्लेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस। यहां हम लोग एक नंबर लेते हैं, यहां से हम लोग नंबर लेते हैं 4। ओके चलिए, हम लोगों ने नंबर लिया 4। अब 4 का फेस वैल्यू क्या होगा बच्चों, 4 ही होगा। आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर होता है, तो मैंने 4 नंबर लिया तो 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। लेट मी चेक बच्चों, 4 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 40। 40 क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 40। 4 जो है हम लोग जो नंबर लिए हैं यहाँ से 3, 4, 2, 3, 4, 2, इसमें हम लोगों ने 4 लिया है और हमें 4 का प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 4 का प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 है, और उसका प्लेस क्या है, 10 है, तो इंटू 10 आया क्या, 40। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस नंबर में 3 डिजिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके नाउ अब इसमें देखेंगे बच्चों कि 3 जो है, 3 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, और उसका प्लेस क्या है, 100 है, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर 3 की प्लेस वैल्यू पता किए हैं तो क्या आया है, 300। ओके तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि प्लेस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नंबर का हम प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर है 777। इन द नंबर 777 ईच नंबर 7 मीन्स अ डिफरेंट नंबर। देखने के लिए तो सारे नंबर सेम है, 777, बट हर एक 7 का अलग प्लेस है। किसी का 1 है, किसी का 10 है, तो किसी का 100 है। हाउ कैन द न्यूमरल 7 स्टैंड फॉर सो मेनी नंबर्स, दैट्स द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू का जादू है, हर एक एक ही नंबर हर जगह है, बट फिर भी उसके प्लेस अलग अलग हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ न्यूमरल डिपेंड ऑन वॉट प्लेस इट इज इन। प्लेस वैल्यू अभी हम लोगों ने पता किया है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो प्लेस वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पे है। यहाँ पे 7 जो है वो 1 प्लेस पे है, यहाँ 7 10 प्लेस पे है, और यहाँ 700 प्लेस पे है। 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पे है तो 10 से, 100 प्लेस पे है तो 100 से।
इन एवर्ब द प्लेस वैल्यू ऑफ न्यूमरल्स इन अ नंबर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हमेशा जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे पढ़ते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं. पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, इसके आगे जाएंगे तो थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड एंड सो मैनी अदर. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि हर बार हर एक राइट डायरेक्शन में आप जब जाएंगे तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10000. इट मीन्स ईच कॉलम हैज अ प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर देन द कॉलम टू इट्स राइट. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 194, इट मीन्स 194. यहाँ पर 4 जो है वो वंस प्लेस पे है तो 4 इंटू 1 4. 9 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 9 इंटू 10 90. 1 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 1 इंटू 100 100. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें 368, 8 जो है वो 1 प्लेस पे है तो 8 इंटू 1 8. 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 6 इंटू 10 60. और 3 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100 300. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नंबर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड 100 प्लस 40 प्लस 8 148. हमेशा जो भी नंबर्स होते हैं जीरो को छोड़ के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं. और नहीं, ये एक तरीका है. और दूसरा, जो नंबर हम पढ़ते चले जाएंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है. तो पहले हम लिखेंगे 8. 8 क्यों लिख रहे हैं? 8 जो है वो वंस प्लेस पे है. टेंस प्लेस पे क्या है? 7 है. और 100 प्लेस पे क्या है? 1 है. तो ये हो गया आपका 178. ऐसे ही अगर हम यहां लिखें तो 8 प्लेस, 1 प्लेस पे क्या है? 8 है. 10 प्लेस पे क्या है? 8 है. और 100 प्लेस पे क्या है? 1 है. 188. इसको हम कैसे करेंगे? इसको हमको स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है. इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है. इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि 1 जो है, पहले हम 1 लिखते हैं, ठीक है. और 1 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतना 0 लिखते हैं. 2 डिजिट का 1 और 2 तो 2 0 2 0. अब लिखेंगे सेकेंड प्लेस पे कौन सा नंबर है? टेंथ प्लेस पे 7. उसके बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है तो 10 लिखेंगे. और लास्ट में कितना नंबर है? 7. और 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं. ऐसे ही हम यहां पे ले लेते हैं 3 है, 3. ओके, 3 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट तो 20. फिर हम लेंगे 10 प्लेस का 7. उसके बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट तो यहां हो जाएगा 10. और लास्ट ले लेंगे 7. उसके बाद एक भी डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं. 377. ओके, तो बच्चों आपको इससे पता चला कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. फेस वैल्यू वो नंबर जो उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है. मतलब कि अगर 1 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही होता है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होता है. सेम ऐसे ही अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो प्लेस वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. अगर 342 दिया है और हर एक डिजिट का आपको प्लेस पता करना हो तो आप ऐसे करके 2 का वंस पे है तो 2 इंटू 1, 4 जो है वो 10 प्लेस पे है तो 4 इंटू 10, और 3 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100. तो इसका 2 का प्लेस क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू 2 होगा. 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 होगा. और 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 300 होगा. ओके बच्चों, तो इस तरह से आज हम जाने कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है और कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो थैंक यू.